आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। तो कैसे बनाना है चलो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ली हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा हार्ड डो बनाएंगे। तो यहाँ पे डो बना लिए हैं, इसको अच्छे से मसल लेंगे और इसे अब साइड में रख देंगे और 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जब तक इसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई पैन में तेल डाल दी हूँ 1 चम्मच। तेल गर्म हो गया तो इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे ज़ीरा अच्छे से भुन गया है तो अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची और इसे इस तरीके से चलाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे प्याज बारीक कटे हुए। यहाँ पे मैं आधे प्याज को बारीक कट करके इसको डाल दी हूँ। यहाँ पे प्याज भुन गया है, इसका कलर नहीं चेंज करना है, ये सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसके अंदर उबले हुए आलू डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 आलू को बॉईल करके उसको ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी और अब इसे मिक्स कर देंगे आलू को डालने के बाद। और अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिए है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को इस तरीके से भून लेने से बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है और इस तरीके से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे। यहाँ पे आलू को इस तरीके से भून लिए हैं तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे इसके अंदर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आगे की तरफ चलेंगे। तो इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और यहाँ पे आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गया था और इसको अच्छे से वापस से मसल लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकालना है, इस तरीके से लेंगे। रोटी के लिए जितना बड़ा डो लेते हैं, जितना बड़ा पेड़ा लेते हैं उतना ही बड़ा लेंगे और इसके अंदर फिल कर देंगे आलू के मिक्सचर को और इस तरीके से ऊपर उठाते हुए इसके मुँह को बंद कर देंगे और इस तरीके से बंद करके अच्छे से पैक कर देंगे और इसको इस तरीके से फ्लैट कर देंगे, हल्का हल्का इस तरीके से दबाएंगे। बस यहाँ पे एक बनकर तैयार हो गया नाश्ता। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, पूरी जो होती है उसके साइज़ का। मैं यहाँ पे इतने ही बड़ा रख रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके का बनाना है, थोड़ा पतला ही, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो सेकने में बहुत परेशानी होगी पकाने में से। और यहाँ पे तेल डाल दिए है फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच के करीब और इसके अंदर डालते जाएंगे, तेल हल्का गर्म है उसी में डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हमें सेकना है क्योंकि अंदर आटे कच्चे रह जाएंगे अगर ये हाई कर देंगे तो इस तरीके से एक तरफ से सेट हो जाए तो इसके साइड्स को चेंज कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है हमें, हाई नहीं करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो इसमें दूसरा जो पीस एक बच गया था उसको डाल दिए हैं और अलटते पलटते इसे गोल्डन फ्राई कर लिए है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और अब इसे बाहर निकाल देंगे। बहुत ही टेस्टी हमारे गेहूं के नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना कलर अच्छा आया है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फूले फूले हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए गेहूं के आटे से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।